सर मेरे पापा की हालत बहुत सीरियस है सर। सर सुबह 7 बजे उनकी सर्जरी थी, अभी 9 बज गए हैं सर। सर आप प्लीज डॉक्टर दित्य को बुला दीजिए सर। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? पिछले 2 घंटे से मैं 15 लोगों से पूछ चुका हूं कि डॉक्टर कहां है। अरे तुम्हारे 10-15 मिनट के चक्कर में जान चली जाएगी मेरे बाप की। वो कल रात से बहुत दर्द में है। तू डॉक्टर का नंबर दे मुझे। देखिए डॉक्टर आ जाएंगे। तू नंबर दे मुझे डॉक्टर का। सर मेरे पापा कल रात से दर्द में हैं और आप किसी भी टाइम पे उठ के आ रहे हो। अरे किसी की जान सूली में लटकी है और आपको कोई फिक्र ही नहीं। आप इंसान है या काम डाउन। मैं आपके पिताजी को देख लेता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे लगातार पेशेंट की हालत इन्फॉर्म करते रहना। सर ऑल गुड। डॉक्टर साहब अब मेरे पापा कैसे हैं? अभी वो खतरे से बाहर है, आप ये टेस्ट करवा लीजिए। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो ठीक हो गए, वरना इन जैसे डॉक्टर्स मरीज को बचाते कम और मारते ज़्यादा हैं। मैं तो कानों को हाथ लगा रहा हूँ, आज के बाद मैं इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आऊँगा। रात भर मेरे पापा। और उसी रात को ही डॉक्टर आदित्य के पिताजी की मौत हुई थी। आज सुबह 8 बजे उनका संस्कार था, लेकिन वो संस्कार रोक कर 1 घंटा ड्राइव कर सिर्फ आपके पिताजी की सर्जरी के लिए यहाँ तक आए। जहाँ तक मुझे लगता है ये भगवान की दुआ कम और डॉक्टर आदित्य की सेल्फलेस एक्ट का नतीजा है कि आपके पिताजी आज जिंदा है। हम ऐसे रोज़मर्रा के हीरोज़ को सलाम करते हैं।